आज हमने सीखना है कि एमएस पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं और इसका मेन इंटरफेस इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं कि पावर पॉइंट बेसिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले देखें डेस्कटॉप पे ये आइकन है पावर पॉइंट का, इसको आप देख लें। जैसे इसको ओपन करेंगे तो वो कहता है कि जी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कर दिए। ये एक स्ट्रक्चर आ गया कि इसमें दो चीजें हैं सिर्फ इस पेज पे, इस पूरे को हम पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें या तो आप टाइटल लिख सकते हैं और या आप इसका सब टाइटल लिख सकते हैं। यहां से बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका, वो स्टार्ट में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट के नाम से मिल जाएगा। पावर पॉइंट 2016 है, ये यहां से क्लिक कर दें। वैसे मैंने आपको 8 तरीके बताए हुए हैं तो आपको पता होने चाहिए। आ गया ये देखें, ब्लैंक करेंगे यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे ये आइकन फॉर एग्जांपल नहीं है, आप आइकन लेकर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे पावर पॉइंट को, ये राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ओपन विद लोकेशन, फाइल लोकेशन पे जहां पे पड़ा होगा ये उसकी सारी लोकेशन आ जाएंगी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जितने सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं ना, ये सारे आ गए हैं। तो हमारा मुतलका ये वाला है, इसको हम क्या करेंगे पावर पॉइंट पे राइट क्लिक करके आप सेंड टू डेस्कटॉप करें या सेंड टू इसको टास्क बार पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहां से पकड़ के इसको यहां छोड़ेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके अलावा सबसे मेन जो होता है कि हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, ये रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है, क्या टाइप करेंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे वर्ड और एक्सेल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट भी कर सकते हैं। पावर पी एंड टी, क्या लफ्ज है पावर पी एंड टी, इसमें कोई स्पेस नहीं देनी। इसको हम ओके करते हैं, ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा देख लें रन ऑप्शन से कैसे करेंगे। कोशिश क्या करें, शॉर्ट कीज याद किया करें, विंडो प्लस आर से करेंगे, ये रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये पावर पी एन टी, इसको टाइप करके यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा, इसको आप ओपन कर दें तो ये आपका एक पावर पॉइंट की फाइल ओपन होगी। जिस तरह वर्ड एक्सेल में हमने पढ़ा था, वहां पे वर्ड का डॉक्यूमेंट्स वन आता है और एक्सेल का क्या आता था, बुक वन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेजेंटेशन वन। अब कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी, उसका नाम क्या आएगा, कंट्रोल पावर पॉइंट 2 3 इस तरह आता रहेगा। तो ये एक प्रोग्राम है पावर पॉइंट का, जिसकी शॉर्ट की जैसे हमने वहां से पढ़ा था, न्यू पेज या न्यू फाइल लेनी है तो कंट्रोल प्लस एन होगा, न्यू प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्लाइड मास्टर क्या होता है, क्या पढ़ा था बच्चे, स्लाइड मास्टर क्या पढ़ा था, उसके लिए हमें जाएंगे व्यू टैब में और ये देखें यहां पे क्या है, स्लाइड मास्टर। आप देखिए ये स्लाइड मास्टर तो आ गया, अगर वो कहते हैं कि ये सारे मैक्सिमम जो लेआउट्स हैं वो हम यूज करते हैं, क्या है, मैक्सिमम लेआउट्स यूज करते हैं। अब पहला वही जो हमने पढ़ा था टाइटल और सब टाइटल का था ना, अब यहां पे उसने स्ट्रक्चर दे दिया कि ये जो एरिया है यहां पे आप टाइटल दे देंगे और इस एरिया में आप उसका सब टाइटल दे देंगे। नीचे आप डेट देना चाहते हैं यहां से आ सकती है, आप यहां इसका फुटर देना चाहते हैं आ सकता है, और यहां पे ये इसका दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो यहां से कैसे खत्म करेंगे, ये देखें टाइटल खत्म हो गया, दोबारा ले आते हैं, फुटर खत्म हो गया, ये देखें ये यहां से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर था। आपको ये और स्लाइड देखना चाहते हैं, ये वाली है, वो ये कहता है कि टाइटल स्टाइल में ऐसे एडिट कर सकते हैं, फिर उसके आप बुल्स एंड नंबरिंग का वो बना सकते हैं। उससे नीचे वाला यहाँ पे आप ये देखें टेबल है, बाकी चीजें हम इनको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे सेक्शन हेडर लेआउट है, ये आप दो सेक्शन इसके बनाना चाहते हैं। उसके बाद मजीद इसका ये है
कि क्लिक एडिट मास्टर टाइटल है, उसके बाद ये कितने स्लाइड्स के मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, क्या है बच्चे स्लाइड के लेआउट्स हैं। अब ये लेआउट आप कैसे यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नया लेआउट इंसर्ट करना चाहते हैं, समझ आ गई है। तो ये हम सारे कहां से देख सकते हैं, लेआउट्स में जाके व्यू में जाएंगे पहले, स्लाइड मास्टर में जाके यहां से इसके लेआउट हैं वो ले सकते हैं। तो हम पहली स्लाइड लेते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है कि इसको दोबारा बंद करते हैं, डोंट सेव करते हैं। तो आज हम पावर पॉइंट को यहां से ओपन कर लेते हैं, तो हमने इसको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। अब इसको मैंने सबसे पहले कहा था कि कोई आपने फाइल लेनी होती है तो सबसे पहले क्या किया करें, सेव किया करें। तो वही वर्ड एक्सेल में भी हमने पढ़ा था कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं, तीन तरीकों से। एक है फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जहां पे सेव करना चाहते हैं वो उसकी लोकेशन नेम और लोकेशन दे देंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेव का ऑप्शन ये आया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तीसरा पैटर्न है कंट्रोल प्लस एस थ्रू शॉर्टकट की, तो हम कंट्रोल एस करेंगे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसको हम सेव करेंगे। आपको पता है कि आपने कहां सेव किया हुआ है, आप वहां पे जाके अपने जो लोकेशन फिक्स की हुई है वो दे देंगे। ये पावर पॉइंट का आज पहला लेक्चर, अगर और होते तो यहां आ जाते, इसलिए हमने यहां पे फाइल नेम देंगे, लोकेशन आप दे दिए हमने, ये पावर पॉइंट का जो फोल्डर बनाया हुआ है वहां पे। अब मैं इसको कर देता हूं जो आज हमारा लेक्चर है, प्रीपेयर्ड मास्टर स्लाइड। अब जो हमारा लेक्चर है या टीचिंग डे है, हम उसको अपने रूटीन के मुताबिक करेंगे। 62, 63 स्पेस, इसको आप जो मुतलका डेट है वो भी दे सकते हैं। तो बच्चे ये आ गया, आप ये देखें यहाँ पे हम सिर्फ आज इसके इंटरफेस करेंगे। आप क्लिक टू टाइटल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आप इसका टाइटल दे सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर CBT02 आपका। अब ये देखिए ये दो चीजें तो आ गई, अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ओके हो गया। अब ये एक हमारी स्लाइड बन गई है, ये हमारी क्या है बच्चे स्लाइड है, सिंगल स्लाइड है। इसमें हम एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिख लिया है, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, ये एडिटिंग हो रही है, इसका चाहते हैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। इसका भी फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंगल स्लाइड है, जैसे इसका आप कोई, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इसका स्लाइड के लिए डिजाइन देख लेते हैं कि कौन सी स्लाइड इसका डिजाइन है। ये देखिए ये मुख्तलिफ डिजाइन है, आगे कोई भी आप लेआउट लेकर आएंगे वो सारा इसी पे आ जाएगा। अगर आप कुछ नहीं चाहते, आप तो सादा चाहते हैं, तो ये हमारा जो सादा पैटर्न था वो आ जाएगा। ओके हो गया बच्चे। अगर सिर्फ आप फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कोई सा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं,
टू कलर है या ग्रेडियंटेड कलर है, आप अपनी मर्जी से यहां से कलर इसके ले सकते हैं। यहां पे कलर ये कलर इसके यहां से आप देखें ग्रेडियंट रेडिएटेड है, जो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके ओके बच्चे, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी स्लाइड्स बनाएंगे। अब ये हमारी सिंगल स्लाइड तैयार होगी। क्या है बच्चे? सिंगल स्लाइड तैयार होगी है। इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं कि इसमें वही फाइल मेन्यू है, होम का टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। टोटल टैब इसके कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 टैब हैं और 9वां इसका फाइल मेन्यू है। उसके बाद ये इसका पूरा एरिया, इसको बोलते हैं स्लाइड एरिया या स्लाइड है, मेन स्लाइड एरिया ये है। ये उसकी आउटलाइन है, जितनी आप स्लाइड बनाएंगे वन बाय वन इधर आ जाएगी। अगर आपने सिंगल स्लाइड बनाई है तो इसको सिंगल स्लाइड बोलेंगे, अब का प्रोग्राम है। अगर एक से ज्यादा दो या तीन बना लेते हैं तो ये हमारी कौन सी स्लाइड बन जाएगी? मल्टीपल स्लाइड। सिंगल स्लाइड में एक स्लाइड होती है और मल्टीपल स्लाइड्स में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा स्लाइड्स होती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ।